दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भानु हॉस्पिटल्स कुल्लू एंड सुंदरनगर। प्रदेश में जारी कोरोना कर्फ्यू के चलते रविवार को मंडी शहर में सन्नाटा छाया रहा। शहर में पैदल चलने वाले लोगों के साथ वाहनों की आवाजाही भी कम ही देखने को मिली। रविवार का दिन होने के कारण शहर में सब्जी व फल विक्रेता की दुकानों में इक्का दुक्का ग्राहक ही नजर आए। इस दौरान स्थानीय दुकानदार योगेश का कहना है कि आज शहर में शांत वातावरण देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लोग इसी तरह से अपने घरों में रहें और बिना किसी कारण घरों से ना निकलें तो कोरोना महामारी की चेन को तोड़ा जा सकता है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 17 मई से 26 मई तक बढ़ा दिया है ताकि बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों पर रोक लग सके। जैसे कि आज मैं देख रहा हूं, आज संडे रविवार का दिन है और मंडी की जनता ने इसको बहुत अच्छे से लिया हुआ है और अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। जैसा कि मैं सुबह से यहाँ पे हूँ, देख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग दवा विक्रेता है, हमें आप लोगों की सेवा के लिए आना पड़ता है। पर आज मंडी की जनता ने इस चीज़ को बहुत अच्छे रूप से दिया कि मंडी के लोग कम से कम बचा रहे हैं, और उसका इसलिए धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि यही एक ऐसा कारण है कि क्वारंटाइन, आप क्वारंटाइन घर में रहेंगे, घर में से ही अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे और कम से कम बाजार आएंगे तो इस चेन को तोड़ने में हमें मदद मिलेगी। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले 10 दिनों के बीच बीच में मंडी में कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, रिकवरी रेट बढ़ा है, डेथ रेशो कम हुई है। हालांकि बहुत जगह ऐसी है जहाँ डेथ रेशो बढ़ी है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हमें इसका रिजल्ट से परिणाम देखने में मिले कि जनता ने इस चीज़ को सहयोग दिया, जनता अपने घरों में रही, और यही एक सबसे बड़ा अच्छा माध्यम है कि जनता घर में रहे, स्वस्थ रहे और इस चेन को तोड़ने में मदद करें। जैसा कि वो आज कर रहे हैं वैसे ही आगे आने वाले समय में करें कि जब जरूरत, जिस चीज़ की जरूरत है वही लोग बाजार आएँ, ज़्यादा लोग ज़्यादा भीड़ में बाजार ना आए। धन्यवाद। मैं योग दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। कुल्लू जिला का सबसे भरोसेमंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब सुंदरनगर में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन अस्पतालों में पित्त की पत्थरी, गुर्दों की पत्थरी, प्रोस्टेट, हर्निया, बच्चेदानी की रसौली, अंडकोश की रसौली तथा अन्य ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा किए जाते हैं। भानु अस्पताल में बिना इंजेक्शन आँखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन तथा अन्य ऑपरेशन किए जाते हैं। यहाँ कंप्यूटर द्वारा आँखों की जाँच और चश्मे भी बनाए जाते हैं, और यहां भारत सरकार तथा हिमाचल सरकार के आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड के तहत भी दूरबीन तथा लेजर के ऑपरेशन किए जाते हैं। बड़े चीरे वाले ऑपरेशन से बचे तथा दूरबीन और लेजर विधि द्वारा ऑपरेशन करवाएं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।